हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष फ्रॉम टेकपैक्स रिसर्च एंड इनोवेशन सर्विसेज। सो आज मैं आपको रिसर्च टॉपिक डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ, वो है वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर। तो OFDM आपको पता ही होगा कि रीसेंट टेक्नोलॉजी है जो 4G में यूज़ होती है, बट इसके अंदर हमने जो काम कर रखा है वो बेसिकली चैनल कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए किया है। तो हमने यहाँ पर MIMO भी यूज़ किया, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। तो यहाँ पे बेसिकली जो काम हो रखा है, तो बेसिकली इन्होंने हमने एक रिसर्च पेपर लिया जो जिस पे काम हो रखा है, वाटर फिलिंग एल्गोरिथम एंड नैश एल्गोरिथम के साथ हमने चैनल कैपेसिटी को इन्हांस किया। तो हमने इसमें सब मॉडिफिकेशन की है, हमने ऑप्टिमाइजेशन इसमें इंट्रोड्यूस की है। तो ऑप्टिमाइजेशन के साथ हमने क्या किया, चैनल कैपेसिटी को इन्हांस किया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो काम हो रखा है, तो हाइब्रिडाइजेशन की हुई है वाटर फिलिंग और नैश एल्गोरिथम के साथ MIMO OFDM सिस्टम के में। इसमें उन्होंने डिफरेंट फीडिंग चैनल लेके काम किया हुआ है, डिफरेंट चैनल्स हैं लाइक रशियन रिले, नाकागामी एम फीडिंग चैनल। तो इन्होंने सिस्टम की चैनल कैपेसिटी इंक्रीज की है, डिफरेंट नंबर ऑफ रिसीवर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांसमीटर। तो मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट को डेमोस्ट्रेट करने लगा हूँ। तो डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं कोड रन कर रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली हमने ऑप्टिमाइजेशन यूज़ किया है चैनल कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए। तो सबसे पहले हमने जो फिटनेस अचीव की है ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू डिफरेंट फीडिंग चैनल के ऊपर, तो वो शो किया डिफरेंट आइट्रेशन वर्सेस फिटनेस एंड फॉर नाकागामी रिले एंड रेशन चैनल। तो इसी तरह ही कैपेसिटी या प्रपोज की कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी क्या हुई एंड वाटर फिलिंग की, दोनों में हमने कंपेरिजन किया हुआ है। तो इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो और हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने ये प्रोजेक्ट वाई भी करना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। तो हमारी वेबसाइट है www.techpacks.com। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू गाइज़।